मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका। सूरत कोर्ट ने खारिज की सजा पर रोक लगाने की अर्जी। मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगेगी क्योंकि सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता की अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल मोदी सरनेम मानहानि के मामले में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत के फैसले ने सेशन कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब इस मामले में राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इससे पहले सूरत की निचली अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुनाई थी। दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले पर अगर सूरत कोर्ट रोक लगा देता तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी, मगर सूरत कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, इसीलिए राहुल गांधी की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। बता दें कि राहुल गांधी को 23 मार्च को मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसके बाद वह 24 मार्च को संसद से अयोग्य करार दिए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मुगेरा की अदालत ने पिछले बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की अपील लंबित रहने के बीच ये फैसला सुरक्षित रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।